एवरीबॉडी, हम लोग पहुंच चुके हैं मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। एकदम जंगल में से आप देखिए निकल के आए हैं। कितनी ह्यूज पार्किंग है यहाँ पे, ह्यूज पार्किंग, एकदम क्लीन जगह है। लग ही नहीं रहा है कि जंगल के बीच में हैं हम। ग्रैंड गेट जिस पे गणेश जी की मेटल वाली मूर्ति थी, उससे अंदर आ चुके हैं। पार्किंग है 20 रुपीज की फॉर द कार्स। Here we've parked our vehicles and now we are off to the temple. अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, जो ये हेरिटेज पार्क है, हर जगह पे आपको मूर्तियाँ मिलेंगी और हर एक मूर्ति को मैं आपको बहुत ही क्लोज व्यू दिखाऊंगी। दे आर ब्यूटिफुल अनलाइक अदर प्लेसेस। पहले तो एंट्रेंस में ही आपको बबर शेर मिल जाएगा। ये जो लायन है यहाँ पे, बबर शेर, जंगल का राजा, इसकी आप डिटेलिंग देखिए। ये बियर्ड के बाल जो हैं उसके, वो भी नजर आ रहे हैं लेग्स पे नीचे। हर एक चीज इतनी डिटेलिंग से बनाई गई है, वेरी फाइन कार्विंग। व्हीलचेयर्स अवेलेबल है यहाँ पे सिक्योरिटी पोस्ट पे ही। ये देखिए यहाँ पे व्हीलचेयर्स के लिए बनाया हुआ है और व्हीलचेयर्स रखी भी हुई है। So that's wonderful. Normally, इस तरह से कम ही आपको सहूलियतें मिलती हैं। अब हम वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स द मेन टेम्पल। माहौल बनाया हुआ है एकदम, म्यूजिक चल रहा है, मंत्र बहुत बढ़िया, मंत्र उच्चारण, सफाई है, हर जगह ग्रीनरी है, फूल है, मन खुश करने वाली जगह है। गार्डन्स है यहाँ पे। मैंने सुना था कि यहाँ पे चंदन के पेड़ भी लगाए हुए हैं, तो मुझे पता नहीं वो किस तरफ है। हर जगह पे बेंचेस हैं बैठने के लिए। परमात्मा को जानना और पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए जीवन को ज्ञान भक्ति कर्म से सींचना चाहिए। इसी से लोक मंगल की अपना ये इस मंदिर की ग्रैंड एंट्रेंस है। दोनों तरफ आप मूर्तियां देख सकते हैं और ऊपर सूर्य का रथ है। इस मंदिर में जो खास बात है, एक तो इसका एरिया जिस थॉट से ये बनाया गया है, दूसरा इसकी मूर्तियां, 108 मूर्तियां हैं इसमें,
हर एक मूर्ति सिंगल स्टोन की है, अंदर इसकी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। बहुत सारी मूर्तियां अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। बाहर की मूर्तियां मैं आपको दिखा दूंगी, अंदर के बारे में मैं जाकर आपको बताऊंगी जरूर। ये देखिए, ये इसका ग्राउंड है, आगे ये इसका टेरेस है। जस्ट लुक एट इट, पहले ही एक ऐसी विजन से बनाया गया है कि आगे आने वाले टाइम में जितना भी क्राउड आए, जितने भी लोग आए, बहुत इजीली यहाँ पे इस मंदिर को विजिट कर सके बिना किसी क्रियोस के। ये देखिए, व्हाट अ व्यू। So this place, Heritage Park, the temple here is in district Solan. Salogra से diversion आती है towards अश्वनी खड। अश्वनी खड यहाँ की एक local water body है। Massive structure, one of the most beautiful temples I have ever seen. Let's take a closer look. हाय, सो हम अंदर जाके आ चुके हैं। जो मूर्तियों की खूबसूरती है वो आपको बयान करके मैं समझा नहीं पाऊंगी। एवरी आइडल दैट दे मेड इज विद सच डिटेलिंग, हर एक चीज उसमें नजर आ रही है। अगर सांप बनाया गया है तो सांप की स्किन पूरी नजर आ रही है उसमें। कोई भी चीज, 108 मूर्तियां हैं जैसे मैंने आपको बताई मैक्सिमम है जो अंदर है, एंड दे ऑल वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बाहर की मूर्तियां हम आपको दिखा देंगे, अंदर के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आना जरूर, देखिए कि कला किसे बोलते हैं, शांति किसे बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर एक शिव पार्वती की मूर्ति है, वहां पे हम आपको लेके चलेंगे। थोड़ा सा ट्रैक है ऊपर, फाउंटेन है, विल टेक यू देयर। प्रणशति कौन्तेय प्रतिजानिहि नमे भक्ता प्रणशति। मेरे लिए किया हुआ भजन निरर्थक नहीं होता। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी जब अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो निश्चय द्वारा साधु के समान माने। समय समय वो अपने इसी भाव के कारण परमात्मा बन जाता है और शांति प्राप्त करता है। यह सत्य मध्यानि मां नमस्तु।
रास्ता है शिव पार्वती की मूर्ति के पास हम जा रहे हैं. लेट्स गो अनदर एडवेंचर बट द रोड इज गुड मेटल. लेट्स सी शक्ति पार्क के चेयरमैन का ऑफिस है. आप यहाँ रहे आप लोग भी मंदिर कंस्ट्रक्शन का देखते हैं. ये मूर्तियाँ कहाँ से आई? ये आई नहीं, ये हमारी टीम रखी हुई थी मोहन नगर में. यहाँ पर हमारा दिल्ली में मोहन नगर जी वहाँ पर हम कारीगर रखे थे. अच्छा अभी तो कम कर दिए, अभी आई तक ठंड में नहीं है, एक दो उधर भी काम करते रहते हैं. अच्छा तो वहाँ पे मूर्तियाँ बनती हैं, फिर कैसे यहाँ आते? ट्रक में आती हैं. अच्छा बड़ी बड़ी मूर्ति उधर से आई, छोटी मूर्तियाँ इधर बनाई. अच्छा जी, तो ये सिंगल स्टोन की मूर्तियाँ? सिंगल स्टोन की होती है, तभी तो अंदर फोटोग्राफी के लिए मना किया, क्योंकि
अखंडित हो जाए, अगर टूट जाए कोई पार्ट जी, तो ये जो बाहर पड़ी हुई है मूर्तियाँ पंचमुखी हनुमान जी की, हनुमान जी की यहाँ पे, ये खंडित है? ये खंडित नहीं है, ऐसे है कोई भी होता है, पहले डायग्राम कागज में बनेगा डायग्राम जी, उसके बाद इसका मिट्टी का बनेगा या पीओपी का बनेगा जी, उसके हिसाब से पूरी पत्थर की सील आएगी। कितना टाइम लग जाता है एक मूर्ति के लिए? 6-6 महीने लग जाते हैं। 6-6 महीने। आपकी मूर्तियों की खासियत है डिटेलिंग बड़ी अच्छी हुई है, हर एक चीज का ध्यान रखा है, छोटी छोटी चीजें नजर आ रही है, ये इसके पीछे किसका दिमाग है? क्या नाम बताया आपने? दास आर्टिस्ट जी, उसी ने किया है, हमने ये मंदिर बनाया है, आस्था नहीं है मंदिर ये, ये है मतलब आज की पब्लिक को, आज की जनरेशन को समझाने के लिए, जो कि अपना कल्चर पहले का भूल चुकी है, क्या रामायण था, क्या महाभारत था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है आपने, मैं दोबारा से समझूंगी, आप कह रहे हैं कि ये आस्था के लिए नहीं है, अपने कल्चर को रिवाइव करने के लिए। हाँ, और ये अच्छा, एक होता है समझाने से होता है, एक ड्राइंग करके, ये मतलब 50 साल जीवित रहेगी चीज, मतलब इम्पैक्ट भी करेगी। हाँ, इतनी खूबसूरती है, इतनी ज्यादा खूबसूरती, तो ये मालिक की ये सोच थी, वो था माता का भक्त जो कपिल मोहन है, उनकी ये सोच थी वे अपने कल्चर को जागृत करने के लिए क्या क्या किया जाए, मतलब तब जाकर इतनी मेहनत करना पड़ती है इसको, पहले डायरेक्ट पत्थर ले आकर सिरात नहीं करते, पहले जो कहीं से जो रामायण के पुराने ग्रंथ निकाले, उनसे मूर्ति ड्राइंग तैयार की, ड्राइंग के बाद पीओपी और मिट्टी के जो है ना, ये जो रखी है ये मिट्टी की है। अच्छा, ये अभी मिट्टी की है जो इधर मैंने दिखाई। अच्छा, ये मिट्टी की है, इसके बाद इतनी बड़ा पत्थर आएगा, फिर उसको पूरा त्रासेंगे, मतलब हम जिस रोड से आप आ रहे हैं यहाँ से, आप वहाँ 20-20 टन के पत्थर ले आते हैं, गाड़ी लेते हैं 20-20 टन, 6-8 टायर गाड़ी आती है। अच्छा, नीचे लेते हैं। तो 6-6 महीने आपको एक मूर्ति बनाने में लगे, कितने लोग आ जाते हैं हर रोज यहाँ पे? अभी तो कम है, आजकल सर्दियों में कम है, दूसरा है तो रोड थोड़ा नीचे वाले लोगों की भी प्रॉब्लम आती है। हाँ, मौसम खराब हो गया, तो ये रोड कनेक्टिविटी का क्या है, बेहतर होगी या किस नहीं, तरह होगी? ये तो आस्ते आस्ते ऐसे पब्लिक पड़ रही है, पहले बिल्कुल ये जंगल एरिया जी, अभी इस प्रोजेक्ट के कारण इधर पारे का आश्रम बनने लग पड़ा, एक आरएसएस वालों का हेडक्वार्टर बनने लग पड़ा, आरएसएस का हेडक्वार्टर भी बन रहा है। अच्छा जी, तो अभी लगे इंस्टीट्यूट आने, तो दिन पर दिन तो गवर्नमेंट को होटल्स भी आ रहे हैं, होटल भी आएंगे, होटल तो इनकी खुद की प्लान है, खुद करने वाले। हाँ, अच्छा, कंटीन तो बना दी है ना काफी बड़ी, जहाँ पार्किंग के साथ ही है। जी 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 जी, तो मतलब इनके आगे भी प्लान है, ट्रस्ट है, काम आगे चलते रहेंगे। अच्छा, तो अभी ये कंप्लीट तो नहीं हुआ है, कब तक आप बोलेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा? लंबा काम चलेगा, बनाते जाएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, आप वीडियो नहीं बना रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग है हमारा। अच्छा, तो ये नदी के साथ में ही है आपका, ये इधर जो नीचे ये हेलीपैड है, ये कार पार्किंग है? अच्छा, ठीक है, बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। आपका नाम? आपने कैप्टन आर एस वाला, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हम लोग तो ये थे कैप्टन आर एस सदाना, जिन्होंने हमें मंदिर में मूर्तियाँ किस तरह बनती है, क्या सोच है इस मंदिर के पीछे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि आस्था के लिए ये नहीं बनाया गया है, अपने कल्चर को रिवाइव करने के लिए बनाया गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो ये कह रहे हैं चीज़ें आसपास में आ रही हैं, उसमें से एक आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है जो पास में ही है, धर्मशाला आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जगह इतनी खूबसूरत, शांत और मेडिटेटिव है कि लोग यहाँ पे रहना चाहेंगे। होटल इनका खुद का ही आ रहा है, प्रॉपर्टी के रेट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो देखते हैं आने वाले टाइम में हाउ इट शेप्स अप, पर काम अभी चलता रहेगा।
फाइनली हम शिवजी और पार्वती माँ की मूर्ति के पास पहुँच गए हैं, जो नीचे मंदिर से नज़र आती है। मंदिर का एक एंड है ऊपर वाली तरफ। जब आप पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं तो मूर्ति का इंतज़ार रहता है, नीचे से उस तरह नज़र नहीं आती। जस्ट लुक एट इट। पता नहीं वीडियो पे इसकी ग्रैंडनेस आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैं बहुत छोटी नज़र आ रही हूँ इस मूर्ति के सामने। ये बहुत बहुत बड़ी मूर्ति है और इस पे हर चीज़, हर एक चीज़, एक छोटी छोटी बात बहुत ध्यान दे के बनाई गई है। तो ये हम टॉप पे हैं शिव पार्वती जी की मूर्ति के पास। मंदिर मंदिर वो नीचे है उधर। ये एक अलग ही फीलिंग है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड टाइप वैसा लग रहा है। सामने नदी है, बिल्कुल कोई बाधा नहीं है व्यू में। इट्स अ क्लियर व्यू फ्रॉम हियर। तो ये ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड से मैं आपको अलविदा करूंगी। मोहन शक्ति पार्क से हमारा जाने का टाइम हो गया है। वील बी ऑन आवर वे टू चंडीगढ़। रास्ते में हमें कुछ और मिलेगा तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। अभी इस बहुत खूबसूरत, बहुत शांत, एकदम मेडिटेटिव एटमोसफेयर से हम जा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल वायर को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। न्यू वीडियोस, न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे।